चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मलिन बस्तियों पर जल्द चलेगा बुलडोजर, जनता ने शहर में भारी वाहनों के आवाजाही पर रोक लगाने की उठाई मांग। सत्येंद्र सिंह सहानी सुसाइड केस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। पति पत्नी मारपीट के बाद पहुंचे कोतवाली, पुलिस को एक दूसरे के खिलाफ दी तहरीर। लोहाघाट में धूमधाम से निकाला गया चादर पोसी का जुलूस। चारधाम यात्रा के लिए बनी हाई लेवल कमेटी, जुआरियों ने की पुलिस कर्मियों से मारपीट। सिटकुल चौकी पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कोसी नदी व झूला पुल में अनावश्यक रूप से प्रवेश करने वालों को लेकर अभियान चलाते हुए खोदी गई खाई। रामनगर में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से बगीचे से आम का पेड़ काट कर ले जा रहे वाहन को पकड़ा। धोलछीना पुलिस ने अवैध रूप से खनन सामग्री रेता परिवहन करने पर वाहन डंपर को किया सीज। संयुक्त निदेशक विनोद कुमार ने उत्तरकाशी जिले में निकायों का किया स्थलीय निरीक्षण। आओ योग करे के तहत प्रशिक्षक रश्मि सिखा रही योग के गुण। नाराज होकर 4 नन्हे बच्चों सहित घर से निकली महिला को धोलछीना पुलिस ने हल्द्वानी से किया सकुशल बरामद। अब खबरें विस्तार से। देहरादून की 27 मलिन बस्तियों पर जल्द बुलडोजर चल सकता है। नगर निगम की ओर से कार्रवाई के लिए प्रशासन से पुलिस बल की मांग की गई है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य अनुभाग को गाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं देहरादून नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि NGT के आदेश पर 11 मार्च 2016 के उपरांत हुए अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है, जो अलग अलग विभागों के थे। कुछ नगर निगम के थे, कुछ SDM के थे और कुछ नगर पालिका मसूरी के थे। 89 लोगों को नोटिस जारी भी किए जा चुके हैं। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। देखिए, निरंजन बागची वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड केस में रिस्पना नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था, जिसके क्रम में हमारे द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। उनके द्वारा 11 मार्च 2016 के उपरांत हुए अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया, जो अलग अलग विभागों के थे। कुछ नगर निगम के थे, कुछ MDDA के थे और कुछ नगर पालिका मसूरी के थे। हमारे उसमें 89 अतिक्रमण थे, जिसमें लोगों को नोटिस जारी किया गया। 89 को कुछ लोगों के द्वारा अपने साक्षी दिए गए, जिनके द्वारा यह बताया गया कि उनके जो निर्माण हैं वो 11 मार्च 16 से पूर्व के हैं। उन साक्ष्यों का परीक्षण पुनः एक कमेटी के माध्यम से कराया गया, तो करीब 15 साक्ष्य उसमें उचित पाए गए हैं अभी तक जो प्राप्त हुए हैं उसमें। तो 74 निर्माण अभी भी ऐसे हैं जो 11 मार्च 16 के उपरांत की स्थिति में हैं। इन पर हमारे द्वारा मंडे से कार्रवाई के लिए योजना तैयार की गई है और पुलिस बल की और मजिस्ट्रेट की मांग की गई है। बाकी अन्य रिसोर्सेज हमारे द्वारा अपने स्तर से एम्प्लॉय किए जाएंगे। बाजपुर में सड़कों पर इन दिनों ओवरलोड वाहन बिना किसी रोक टोक के दौड़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन मौन बैठा है। 10 टन की क्षमता वाले मालवाहक वाहनों में क्षमता से दोगुना अधिक तक खनन सामग्री भरकर ढोया जा रहा है। ओवरलोडेड खनन वाहनों से रोड पर दूर तक रेता बजरी गिरकर फैलती जा रही है, जिससे दो पहिया वाहन चालक देर सवेर फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। ओवरलोड वाहन सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं, क्योंकि कई बार चालक बिना देखे वाहन को मोड़ देते हैं, जिससे उनके पीछे आ रहे वाहन चालक चपेट में आकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि शहर में खनन व भारी वाहनों के प्रवेश पर दिन के समय नो एंट्री है, लेकिन भारी व खनन वाहन दिन भर शहर से होकर गुजर रहे हैं। उन्होंने पुलिस व प्रशासन से भारी व ओवरलोड वाहनों के नगर में प्रवेश पर अंकुश लगाने की मांग की है। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दून पुलिस ने बिल्डर सत्येंद्र सिंह सहानी सुसाइड केस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी गुप्ता बंधु अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसके साथ ही इस मामले में दोनों आरोपियों की बेल पर सोमवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को देहरादून में बिल्डर सत्येंद्र सिंह सहानी ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नोट में इन दोनों आरोपियों पर उकसाने का आरोप लगाया गया। फिलहाल पुलिस इन दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुट गई। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। रिमांड के लिए पेश किया था इनको, तो कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है मुलजिम को, और बेल एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में हमने फाइल करी आज, उसका भी रिजल्ट अवेटेड है।
दिन की न्यायिक हिरासत, वो 14 दिन की होती है न्यायिक हिरासत, वो तो जो एज पर लॉ है रूटीन है। आप लोगों ने बेल के लिए भी बेल एप्लीकेशन हमने डाल दिया आज लोअर कोर्ट में, तो उस पर अभी निर्णय बाकी है। क्या उम्मीद है आगे? देखिए हमारे हिसाब से तो डिफेंस की तरफ से मुकदमा अच्छा है, और इनके खिलाफ जो सुसाइड नोट मिला है उसमें अक्यूज्ड के लिए कुछ ऐसी बात है नहीं, तो बेल हो जानी चाहिए। इनका एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, ज़्यादा लीगल बात तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, तो आपस में पैसे के लेन देन और एक आपस में एक जो एग्रीमेंट हुआ उससे संबंधित वाद विवाद था। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। बाजपुर में शनिवार को ग्राम इटब्बा में पति पत्नी के बीच मारपीट हो गई, जिसमें पति ने मारपीट में अपनी ही पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान पीड़िता रजनी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह शनिवार को अपने घर पर घरेलू कार्य कर रही थी, तब पति कुलवंत सिंह आया और मेरे साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने, बलात् घूसों से जमकर मारा पीटा तथा जान से मारने की नीयत से सिर पर ईंट से प्रहार किया, जिसमें रजनी लहूलुहान हो गई। वहीं कुलवंत ने अपनी पत्नी रजनी के विरुद्ध पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रजनी घर में मुझे बहुत प्रताड़ित कर रही है, झूठे केस में फंसाने की गरज से खुद अपने सिर में ईंट मार ली, मैं कहने लगी कि तू अब जेल जाएगा, रजनी ने मेरा बहुत उत्पीड़न किया है। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लोहाघाट के हथरंगिया में कालू सैयद बाबा की मजार में चल रहे 3 दिवसीय उर्स मेले के दूसरे दिन शनिवार को लोहाघाट नगर में चादर पोशी का जुलूस निकाला गया। मजार के सज्जादा नसीन बाबा हसमत हुसैन के दौलत खाने से चादर पोशी का जुलूस निकाला गया। जुलूस में पिथौरागढ़ से आए मशहूर कव्वाल बाबा की शान में कलाम पेश कर चल रहे थे। नगर के स्टेशन बाजार, खड़ी बाजार, मीना बाजार होते हुए चादर पोशी का जुलूस हथरंगिया बाबा मजार में पहुंचा। मजार के सज्जादा नसीन बाबा हसमत ने बताया, उर्स मेले में हिंदू भाइयों के द्वारा भी काफी सहयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह उर्स मेला हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का प्रतीक है। उर्स मेले का लोगों के द्वारा जमकर लुत्फ उठाया जा रहा है। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। चादर पोशी यहाँ से निकल चुकी है, निकाल दी गई है, और ये बाजार होते हुए, बड़ी खड़ी बाजार होते हुए, खड़ी बाजार होते हुए मजार शरीफ में पहुंच के चादर पोशी चालू हो चुकी है, और इसमें जो है शाम को जो बैठ के 8 बजे से कपाली चालू हो जाएगी, और उसके बाद लंगर खाने में जो परदेसी बाहर का जायरीन जो वहां आ रहा है उनका लंगर चालू हो जाएगा, और जितने भी हमारे बंधुगण हैं सब बैठेंगे वहां पर आराम से अपने कपाली और भजन को, कव्वाली और भजन, संत समाज का जो भी है वो वहाँ गुणगान होगा और कव्वाली होंगी, बाबा की शान में कव्वाली पड़ी जाएगी, और सारी आवाम, सारी लोहाघाट टनकपुर देवी पिथौरागढ़ धारचुलाई यहाँ के जितने भी हमारे मेहमान जायरीन लोग हैं सब आके अपने भजन और बाबा की शान में सुनाई दी। कल को 10 बजे कुल शरीफ होगा, जो कि 10 बजे कव्वाल बैठेंगे, पूरे लोहाघाट, पूरे संसार, पूरे भारत के लिए दुआ मांगी जाएगी, पूरी हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगी जाएगी, हर इंसान के लिए दुआ मांगी जाएगी, हर कौम के लिए दुआ मांगी जाएगी, फिर 11-12 बजे समापन। यही कहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से सईदी सरकार हमारे पीर मुर्शिद हज़रत कालू बाबा का उर्स मनाया जा रहा है, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोहाघाट का इसके अंदर सहयोग रहता है और उनकी मोहब्बतें रहती हैं, उनका हमारे साथ में चलना रहता है, और ये बहुत बड़ी मिसाल है। हर साल यही पैगाम दिया जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का, कि लोहाघाट से ही पैगाम दिया जाता है कि अमन और शांति के साथ में ये उर्स जो है मनाए जाते हैं, और बहुत ही खुशी की बात है। तमाम ही लोहाघाट वालों को मैं तहे दिल से सईदी सरकार हज़रत कालू बाबा का उर्स की मुबारकबाद देता हूं, और बिलखसूस अपने लोहाघाट के लिए ये दुआ करता हूं कि खूब तरक्की करे, तमाम तर लोग जितने हैं यहां पर, जितनी ही आवाम है यहां पर, सबको खूब कामयाबी मिले।
अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए कमेटी बनाई गई है। आपको बता दें, सचिव पर्यटक संयोजक एडीजी एलओ गढ़वाल, आयुक्त और आईजी गढ़वाल सचिव गृह कमेटी के सदस्य होंगे। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। रुद्रपुर कोतवाली की चौकी रामपुरा में मारपीट की सूचना पर जा रही पुलिस से जुआरियों ने मारपीट कर दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस को 112 पर कॉलर सूरज पुत्र राम सिंह ने सूचना दी थी कि उसके पड़ोस में रहने वाला जितेंद्र पुत्र राजपाल अपने घर में लड़ाई कर रहा था। पुलिस सूचना पर पुलिसकर्मी गणेश और पूरन आर्य मौके पर जा रहे थे। इस दौरान सत्ता चौराहे पर जुआरियों ने पुलिस को घेर लिया और पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव होते देख पुलिसकर्मियों ने वहां से भागकर जान बचाई। पुलिस पर पथराव होने की सूचना पर कोतवाली से पुलिस फोर्स और सीओ सिटी निहारिका तोमर मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले जुआरी वहां से भाग चुके थे। सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि पुलिस पर पथराव करने वाले किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। जुआरियों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल रात को 112 पे सूचना में प्राप्त हुई थी रामपुरा क्षेत्र से कि वहाँ पर मारपीट की कोई घटना हुई है। तो जब हमारी चौकी क्षेत्र से जो चीता थी वो मौके पर जाने लगी, तो रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उनको कुछ जुआ खेलते हुए लोग मिले, जहाँ पर वो रुके और उन्होंने उनके ऊपर उनको पकड़ने की कोशिश की और मामला पूरा जानने की कोशिश की। तो जैसे ही उन्होंने पुलिस को आते देखा, वो सब लोग वहाँ से भागने लगे और उनके द्वारा दो स्कूटी और एक बाइक वहीं पर खड़ी थी, वो छोड़ दी गई। तो जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे तो उनमें से जो लोग जुआ खेल रहे थे उनमें से 3-4 लोगों द्वारा पुलिस के विरोध दर्ज किया गया और झड़प हुई। तो इसी बीच जो वहाँ पर स्कूटी और बाइक मौजूद थी वो पुलिस द्वारा ले आई गई और जो लोग इस झड़प और विरोध में मौजूद थे उनको चिन्हित किया गया है। जो हमारे रात्रि अधिकारी थे मौके पर पहुँचे और बाकी फोर्स भी वहाँ भेजी गई थी। इसमें जो रात्रि अधिकारी है उनसे रिपोर्ट ली जा रही है, जिस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। पंतनगर थाना क्षेत्र के सिटकुल चौकी पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद मोटरसाइकिल आरोपी के द्वारा सिटकुल चौकी क्षेत्र के अटरिया मंदिर, रिद्धि सिद्धि और लेवर चौक से चोरी की गई थी। सिटकुल चौकी में मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी गुलवेश हुसैन पुत्र अब्दुल हसन निवासी वार्ड नंबर 6 मस्जिद कॉलोनी जगतपुरा थाना ट्रांजिट कैंप को गिरफ्तार किया। आरोपी पर इससे पहले भी ट्रांजिट कैंप थाने में मोटरसाइकिल चोरी और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है। पंतनगर सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने एसएसपी कार्यालय में मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि क्षेत्र में लगातार मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया। सिटकुल चौकी क्षेत्र से काफ़ी मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी, तो कल एक व्यक्ति गुलवेश हुसैन को गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल से उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया मैंने मोटरसाइकिल चोरी की है, तो उससे अब चोरी की गई है। उससे और पूछताछ की गई तो उसने 2 मोटरसाइकिलें और बरामद की गई हैं, जो चौकी सिटकुल क्षेत्र से ही चुराई गई थी। उनको गिरफ्तार कर किया गया, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उसका आपराधिक इतिहास है। ट्रांजिट कैंपस पर 2 मुकदमे हैं, एक चोरी का मुकदमा है, एक 4/25 का मुकदमा दर्ज है। गिरजा मंदिर के समीप स्थित झूला पुल के समीप कुछ दिन पूर्व लखनऊ के युवक की नहाने के दौरान नदी में डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद एसडीएम राहुल शाह ने झूला पुल नदी एवं कोसी बैराज क्षेत्र में नदी में प्रवेश करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वन विभाग और पुलिस को निर्देश जारी किए थे। लेकिन एसडीएम के आदेश के बाद भी लगातार इन दोनों क्षेत्रों में भारी संख्या में लोग प्रवेश कर बहाना थे। इस मामले में इन दोनों क्षेत्रों में भविष्य में घटने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज वन दरोगा वीरेंद्र प्रसाद पांडे के नेतृत्व में वन कर्मचारियों द्वारा इन दोनों क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए विभाग द्वारा झूला पुल और कोसी बैराज क्षेत्र में स्थित नदियों के अंदर लोगों के प्रवेश को रोकने को लेकर खाई खोदने का काम किया गया है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की। इसमें जो है आए दिन लोग कोसी में घुस रहे हैं और बाहरी लोग बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उसको हमने रोकथाम के लिए जो है कि जगह जगह पर झूला पुल के पास भी खाई खोदी और एक दो लोगों ने अतिक्रमण करने का प्रयास झूला पुल में किया था, उसको हमने थोड़ा सा रोका और उनको हटाया। इसके बाद जो है कि बैराज पर भी हमारे द्वारा खाई खोदी जा रही है और प्लस जो है टीम लगाई गई है, समय समय पर इनको हटाया भी जाएगा। आपको बता दें कि रामनगर के आसपास क्षेत्र में कुछ ग्रामीण इलाकों को फलपट्टी क्षेत्र घोषित होने के बावजूद भी इन इलाकों में लगातार अवैध रूप से बगीचों से फलदार वृक्षों का कटान किया जा रहा है। तो वहीं भू माफियाओं द्वारा यहां पर कॉलोनियां विकसित करने का भी काम किया जा रहा है।
वहीं शनिवार की रात को भवानीगंज क्षेत्र में तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज के कर्मचारियों ने एक मैक्स को रोककर उसके अंदर 10 गिल्टे आम की लकड़ी के बरामद किए। वहीं इस बीच वाहन चालक मौके से फरार हो गया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कल हमारी टीम इनके पीछे लगी हुई थी, आमपुरा के क्षेत्र में ये आम का पेड़ कटा था बगीचे से एक, उसके पीछे हमारी टीम लगी थी। इन लोगों ने एक मशीन के अंदर गाड़ी डाल दी थी तो हमें माल उतार दिया था। हम लोगों ने वहाँ से पकड़ के लेके आए, जिसको हम लोग यहाँ ला के खड़ा कर दिया अपने सूरती में, और ट्रैक्टर द्वारा खींच के ला गए थे। वाहन ख़राब था, उसका टायर निकल गया था एक, और वाहन का नंबर है UP22BT3179 और काटने वाला ठेकेदार उसमें दानिश बताया जा रहा है। सर क्या कार्रवाई की जा रही है? उसमें भी गाड़ी तो हमने पकड़ ली है, उसमें सीज कर दी गाड़ी को हमने, विभागीय कार्रवाई जांच चल रही है। थाना अध्यक्ष धौलछीना सुशील कुमार के नेतृत्व में अपर उप निरीक्षक जगदीश प्रसाद द्वारा पुलिस टीम के साथ चेक इन के स्थान सेराघाट के पास वाहन डंपर को रोककर चेक किया गया तो डंपर में अवैध खनन सामग्री रेता भरा हुआ था। वाहन चालक मुकेश सिंह निवासी वेरीनाग खनन सामग्री के संबंध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिस पर वाहन डंपर को MV एक्ट के तहत सीज किया गया तथा अवैध खनन के संबंध में रिपोर्ट उप जिलाधिकारी अल्मोड़ा को प्रेषित कर दी गई है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले के 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर गए संयुक्त निदेशक विनोद कुमार ने जिले में निकायों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कूड़ा निस्तारण के बेहतर प्रबंधन की सराहना की। वहीं उन्होंने गंगोत्री में जाकर नगर पंचायत का स्थलीय निरीक्षण किया। संयुक्त निदेशक ने मीडिया से बातचीत में निकाय द्वारा बेहतर प्रबंधन पर संतोष जताया। उत्तरकाशी से संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। उत्तरी में एक अभिनय प्रयोग इस बार किया गया है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिस कारण जो ऑर्गेनिक जितना भी वेस्ट आता है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। ब्रिटकुल के सहयोग से एक ऑर्गेनिक कंपोस्टर जिसकी क्षमता है 2 मेट्रिक टन वो यहाँ पर लगाया गया है, और ये इस तरह का प्रयोग अभी प्रदेश भर में पहली जगह हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि जितना भी ऑर्गेनिक यहाँ पर वेस्ट आएगा उसको ये डिकम्पोज करेगा और जो उससे निकल। आओ हम सब योग करें अभियान के तहत सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा द्वारा डॉक्टर नवीन भट्ट के संरक्षण में नियमित रूप से निशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योग प्रशिक्षक रश्मि कांडपाल योग शिविर के 5वें दिन KD मेमोरियल पब्लिक स्कूल में अनेक आसनों का अभ्यास कराया गया। योग शिविर में विद्यार्थी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। वे स्कूल के प्राचार्य ने वर्तमान समय में योग की भूमिका पर अपने विचार रखते हुए छात्र छात्राओं को योग के प्रति जागरूक किया। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। सूचना पर थानाध्यक्ष धौलछीना सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा महिला व बच्चों की खोजबीन शुरू की गई। पुलिस टीम द्वारा सुरागसी पतारसी करते हुए अथक प्रयासों से गुमशुदा महिला और 4 बच्चों को हल्द्वानी से सकुशल बरामद किया गया। गुमशुदा महिला ने बताया कि वह किसी बात पर नाराज होकर चली गई थी। पुलिस टीम ने महिला और उसके पति की काउंसलिंग कर भलीभांति समझाया, तत्पश्चात महिला और बच्चों को परिजनों के। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट।